वादी रसा की कोहे हिमाला रसा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रसा का गए। आफ्ताब इकबाल साहब हैं हटिया बकरा मंडी से, उन्होंने सवाल किया कि मस्जिद के पेश इमाम गुलमंजन करके नमाज पढ़ाते हैं, नमाज मुक्तदी की हो जाएगी, उसमें नशा होता है मंजन में, हजरत की बारगाह में मेरा सवाल है। अरे भाई, गुलमंजन करने वाला इमाम वधू से पहले गुलमंजन करता है और वधू में अपने पूरे मुंह को साफ कर लेता है। उसके लिए शरीयत का एक उसूल है कि ऐसी चीज़ें खाने या मुंह में रखने के बाद जिससे मुंह में भू पैदा हो, जैसे कच्चा लहसुन है, बीड़ी सिगरेट है, हुक्का है, मछली है, मूली है, इन चीज़ों के खाने के बाद मुंह में भू बाकी रहती है, बदबू की हालत में मस्जिद में जाना शरण मना है, लेकिन आदमी अगर मुंह को साफ कर ले तो उसकी नमाज हो जाती है। तो ऐसे जब इमाम साहब मंजन करते हैं तो ज़ाहिर है उसी हाल में नहीं जाते होंगे, वो मंजन के बाद वुदू करते होंगे, मुंह साफ करते होंगे, फिर नमाज पढ़ाने के लिए जाते होंगे, नमाज हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।